বিরিয়ানি খরচা করেছে 9-10 হাজার টাকার মতো। मदरसा जयनगर में है, जयनगर में हमारे साथियों का साथी का मदरसा है। तकरीबन 45-50 बच्चे हैं और लॉकडाउन से पहले काफ़ी बच्चे थे अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 150-200 करीब बच्चे थे। ये 40-45 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ क़याम उत्ताम करते, सब बाहर के बच्चे हैं, गांव के बच्चे नहीं हैं बल्कि बाहर के बच्चे हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे के मस्जिद है, यहाँ बच्चे नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से जमात के साथ। मस्जिद के मेहराब सब बाहर के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चे के रहने की जगह है, ये कमरा है बच्चे के, बच्चे यहाँ सामान के साथ रहते हैं, ये रूम है। ये बच्चों का कमरा है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे यहाँ पर रहते हैं, ये बच्चों के सामान है, बच्चे यहाँ आराम करते हैं। पंखे भी काफी पुराने हो रहे हैं। कितने रूम है? ये एक रूम है, इसी तरह लाइन से रूम है, तीसरा ये, चौथा और पांचवा, छठा, इसी तरह ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह जगह है, सीढ़ी है। ये मदरसे के की ज़मीन पे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ खेती भी होती है, मतलब ऐसे ये धनिया पत्ता है जो हम देख रहे हैं, धनिया पत्ता है, आगे फूल है, टमाटर वगैरह भी अंदर होते हैं। के मदरसे के जिम्मेदार हैं। ये तीसरा कमरा है मदरसे का, चौथा पर्दा लगा हुआ है जो कमरा, अच्छा चौथा कमरा है। ये पांचवा कमरा है, इसमें बच्चे रह रहे हैं। बच्चों की कभी कभी निगरानी भी होती है, बच्चे पढ़ाई के टाइम आराम तो नहीं कर रहे, कोई ऐसे में नहीं टाइम पास तो नहीं कर रहे, इसलिए निगरानी होती है। ये पांचवा कमरा है, ये उस्ताद कमरा है, उस्ताद के लिए हैं। ये कमरे उस्ताद के, ये मदरसे के जिम्मेदार हैं, खादिम की हैसियत से रहते हैं। ये गुडाउन है, इसमें अनाज वगैरह रखे हैं, जितने भी इकट्ठा होता है अल्लाह की तौफीक से यहाँ पे रखा जाता है, सब्जी वगैरह हैं, चावल वगैरह सब यहाँ पे, ये मुख्तसर सामान यहाँ जमा होते हैं। जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह क़याम उत्ताम करते हैं, खाते भी हैं यहाँ पर, रहते भी हैं, सब बाहर के बच्चे हैं। मदरसे के अंदर कुतुब खाना भी है, बच्चों की किताब की ज़रूरत पड़ती है, ये मुताला वगैरह कर रहे हैं, लाइब्रेरी, किताबों की ज़रूरत पड़ती है, किताबें जमा रहती हैं यहाँ पर। ठीक है।
मदरसा है, हाँ। दो मंजिला मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हाँ, जितने भी यहाँ पे कमरे हैं ऊपर नीचे सब इस्तेमाल में है, ऊपर वाला भी इस्तेमाल में नहीं है लॉकडाउन के बाद। गांव के अंदर मदरसा है, चारों तरफ गांव है, खेती है और इसके बीच मदरसा है। और एक बात यह है कि गांव के बच्चे इस मदरसे में नहीं है, मना नहीं है, आते नहीं है, बाहर के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सब।